इस वीडियो में हम नल और अनडिफाइंड वैल्यूज़ पढ़ेंगे. अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं लेट ईमेल और इसको मैं कोई वैल्यू ना दूं, मतलब जिस वक्त मैंने ये वेरिएबल बनाया था उस वक्त इसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी, तो मैंने इक्वल्स टू करके इसको कोई वैल्यू नहीं दी, तो इसकी डेटा टाइप क्या होगी? क्या ये नंबर होगा, क्या ये बूलियन होगा या स्ट्रिंग होगा? तो इसको हम चेक कर लेते हैं. अगर हम इसे सेव करके वेब पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारी अलर्ट्स आ रही हैं. इन अलर्ट्स और कंसोल लॉग्स को हम मिटा देते हैं. ये अलर्ट और कंसोल लॉग मिटा देते हैं. तो अभी मैं इस वेरिएबल की डेटा टाइप चेक करना चाहती हूँ. इसको सेव करके रिफ़्रेश करते हैं. अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँगी ईमेल तो आंसर आएगा अनडिफाइंड. अगर मैं लिखूँगी टाइप ऑफ ईमेल तो इसकी डेटा टाइप भी आएगी अनडिफाइंड. तो अनडिफाइंड का मतलब होता है वो वेरिएबल जिसको आपने वैल्यू दी ही ना हो, तो इसलिए उसकी डेटा टाइप होगी अनडिफाइंड. अगर आप इसको ख़ास तौर पे बताना चाहते हैं कि इसके पास फ़िलहाल कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे आप इसको नल भी लिख सकते हैं. इसका मतलब बिल्कुल इसी की तरह है, दोनों तकरीबन सेम हैं. तो आप चाहें तो इसको इक्वल्स टू नल भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे ही छोड़ भी सकते हैं. अभी अगर मैं इसको इक्वल्स टू नल करके सेव करूं और फिर वेब पेज को रिफ़्रेश करूं, अब जब मैं यहाँ पे लिखूंगी ईमेल तो इसकी डेटा टाइप आएगी नल, क्योंकि आपने इसकी वैल्यू डिफ़ाइन की है, तो इसलिए अनडिफाइंड इसकी डेटा टाइप नहीं है. लेकिन आपने इसकी जो वैल्यू डिफ़ाइन की है वो नल है, मतलब ये वेरिएबल खाली है, इसकी कोई डेटा टाइप है ही नहीं.